सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। सीएम की कुर्सी न मिलने पर डीके शिवकुमार ने अब चुप्पी तोड़ी। बता दें, कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस के चुनाव जीतने के बाद शिवकुमार भी सीएम की कुर्सी के दावेदार नेता थे। डीके ने अपना कार्यभार संभालने के बाद पहली बार शनिवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र कनकपुरा का दौरा किया, जिसमें लोगों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि आखिर उन्हें क्यों सीएम की कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। दरअसल कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार जब पहली बार अपने निर्वाचन क्षेत्र कनकपुरा का दौरा करने के लिए गए थे, तब कानपुर के लोगों ने उप मुख्यमंत्री शिवकुमार का भव्य स्वागत किया, जिसे देख उप मुख्यमंत्री गदगद हो उठे। और शिवकुमार ने अपने समर्थकों को बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और गांधी परिवार के सदस्यों की सलाह और उनके द्वारा लिए गए निर्णय के बाद उन्हें सीएम पद की दावेदारी छोड़नी पड़ी। शिवकुमार ने समर्थकों से कहा, आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाने के लिए बड़ी संख्या में वोट दिया है, लेकिन क्या करें, एक निर्णय किया गया था। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुझे कुछ सलाह दी थी, मुझे उनकी बातों पर सिर झुकाना पड़ा। अब मुझे धैर्य रखकर प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन आप सबकी जो भी इच्छा है वह व्यर्थ नहीं जाएगी, हमें सब्र करना चाहिए। मैं इस समय आपको केवल यही बताना चाहता हूँ। खबरी चौखट की रिपोर्ट।